We're going to bring businesses here. We're going to become the center of life science, the center of cybersecurity, the center of self-driving cars, drones, the center of Bitcoins. We're going to be the center of all the technology. Miami, you had your run. We're bringing our businesses back. आपको पता है जब बिटकॉइन और क्रिप्टो की बात आती है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो में यूज़र्स कितने हैं, कितने लोगों के पास वॉलेट है, कितने लोग बिटकॉइन क्रिप्टो यूज़ करते हैं। अगर इस रिपोर्ट की माना जाए तो बिटकॉइन नाउ हैज़ रफली द सेम अमाउंट ऑफ यूजर्स एज द इंटरनेट हैड इन 1997। मे बी 5-10% पॉपुलेशन क्रिप्टो में है फिलहाल टोटल वर्ल्ड की, बट ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूज़र्स बहुत बढ़ रहे हैं एवरी डे। स्पेशली कंट्रीज लाइक एल सेल्वाडोर ने जब लीगल टेंडर बना दिया, उसके अलावा न्यूयॉर्क जैसी कंट्री के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में बिटकॉइन को एक एजेंडा बना रहे हैं। बिटकॉइन सिटी को बिटकॉइन कैपिटल बनाएंगे, बिटकॉइन को अडॉप्ट करेंगे, ये इनके इलेक्शन का एजेंडा है। न्यूयॉर्क में एक इलेक्शन चल रहा है, मेयर ऑफ द इलेक्शन, तो इसमें ये एजेंडा बहुत बड़ा है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस अडॉप्शन, कौन कौन सी कंट्री से हो रहे हैं, कितने, और ये यूजर्स कितनी तेजी से बढ़ने वाले हैं अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में। विल टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट। सो बिटकॉइन का प्राइस आज अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था, आई थिंक 35,000 के आसपास आज बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड हो रहा था। फिर आप पूछो कि अचानक हुआ क्या, वेल गेस करो, वही बंदा ट्वीट कर दिया। कौन सा बंदा? एलन मस्क, जो भी बोल रहा हो। हाउ मेनी बिटकॉइन मैक्सेस डज इट टेक टू स्क्रू इन अ लाइट बल्ब, एंड ये बंदे ने बिटकॉइन की प्राइस ही स्क्रू कर दिया। आई मीन बिलीव इट और नॉट, काफ़ी लोग ये बंदे को बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये बंदा शुड हैव जीरो इम्पैक्ट ऑन बिटकॉइन प्राइस। येस्टरडे मैंने बताया था परसों कि चाइना शुड हैव जीरो इम्पैक्ट, और मुझे लगता है कि ऐसा आना चाहिए कि जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ है ना उनका भी इम्पैक्ट ज़ीरो होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। काफ़ी लोग आई थिंक एलन मस्क को फॉलो करते होंगे, और ये बंदे ने ट्वीट किया, बेसिकली इसे गंदा, वेरी बैड जोक, आप गूगल कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है। हाउ मेनी बिटकॉइन मैक्सेस डज इट टेक टू स्क्रू इन अ लाइट बल्ब, इट्स अ वेरी बैड जोक। एंड ये बंदे ने ट्वीट किया, एंड आई थिंक उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे करेक्शन हुआ है या क्रैश हुआ है, आप जो भी बोलोगे। और यहीं पे बंदे ने स्टॉप नहीं किया, इसके पहले इसने आई थिंक ये भी ट्वीट किया था, माई शिबा इनू विल बी नेम्ड फ्लोकी। तो आपको पता है ये शिबा इनू एक मीम कॉइन है, डोज कॉइन के मीम के बारे में ट्वीट कर देते भाई ने, अभी शिबा इनू के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, और शिबा इनू की प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आई थिंक कुछ 5-6% पंप हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं। बट यस, ये बंदा ही हैज़ गॉन मैड टुडे एंड ही वाज ट्वीटिंग अ लॉट अबाउट क्रिप्टो, एंड सो मे बी इसीलिए बिटकॉइन की प्राइस में इम्पैक्ट। लेट मी नो आपको क्या लगता है कि ये ट्वीट की वजह से प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस इम्पैक्ट हुआ या किस वजह से हुआ। दूसरी चीज़ आपको मैंने एक ट्वीट किया कि जुलाई क्रिप्टो प्राइसेस विल बी बेटर, दिस इज जस्ट अ होपियम, आई थिंक सो। नाउ व्हाई डू आई थिंक सो, बिकॉज 2-3 इंपॉर्टेंट इवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जुलाई में ये EIP-1559 इथेरियम का जो अपग्रेड है वो लॉन्च होगा। बेसिकली अभी रिपोर्ट आई है कि ये इन पे टेस्टनेट पे लॉन्च हो गया है, ओके, अपग्रेडेड टेस्टनेट लॉन्च, ये कल की न्यूज़ है कि टेस्टनेट पे लॉन्च हो गया। तो कहने का मतलब मुझे लगता है कि दिस इज़ रेडी फॉर द मेन नेट ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें, पहले टेस्टनेट, कोई भी अपग्रेड होता है पहले टेस्टनेट पे इसको टेस्ट किया जाता है, इफ़ सक्सेसफुल देन तब मेन नेट पे होता है, राइट। सो आई थिंक जुलाई में मेन नेट में आ जाएगा 155E1559। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू दिस अडॉप्शन, जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन का यूजर्स, क्रिप्टो के यूजर्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट। सो आपको पता है एल सेल्वाडोर ने क्या किया, एल सेल्वाडोर टू एयर ड्रॉप $30 इन बिटकॉइन। सो अभी तक आपने एयर ड्रॉप ऑल्ट कॉइन्स का सुना होगा, और ये कंट्री अपने सिटीजन्स को $30 का बिटकॉइन एयर ड्रॉप कर रही है। वाओ, सुपर, राइट। नाउ ये क्यों कर रही है, हमारे मन में सवाल है ना कि क्यों कर रही है ये। तो ये बेसिकली आज सुबह स्पीच था, बाय द वे मैंने ट्विटर पे आज पोस्ट किया, अगर आप ट्विटर पे नहीं हो तो प्लीज़ ट्विटर पे आ जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहीं पे पोस्ट कर देता हूँ। और ये आज एक कॉन्फ्रेंस में इनका एक एक्सप्लेनेशन था जहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे एक ऐप डाउनलोड करना है, वेरीफाई करना है, and then every citizen will get $30. Now, why is he doing $30, right? तो सबसे पहली बात आपको पता है, कोई पॉलिसी निकालना बड़ी आसान बात है, रेगुलेशन निकालना बड़ी ओके, बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया तो क्या हो गया काम?
नहीं हुआ। कितने लोग को वहां पे बिटकॉइन यूज करने आता है? बहुत कम लोगों को। आपको पता है, ये आप वीडियो देखना, क्रिप्टो बैंटर करके एक चैनल है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा, ये बंदा एल सैलवाडोर में था और इसने ऑन ग्राउंड रिपोर्ट ली है, ठीक है। वहां पे काफी लोगों को बिटकॉइन के बारे में सुने भी नहीं है, और बिटकॉइन यूज कैसे करते हैं वो तो अलग ही बात है। और मैंने, आप वीडियो देखना पूरा, आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली देखो, कोई पॉलिसी और रेगुलेशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट उसको अडॉप्शन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब क्या होगा कि बेसिकली जो $30 दे रहे हैं ना, इसका मेन मकसद क्या है? अगर $30 मिल रहा है, अगर मुझे $30 मिल रहा है, तो मैं ऑब्वियसली मैं बिटकॉइन वॉलेट डाउनलोड करूंगा, राइट, और मैं वेरीफाई करूंगा। तो ये बेसिकली इंसेंटिव है, ये बेसिकली एजुकेशन, बिटकॉइन एजुकेशन पे एज अ कंट्री ये लोग स्पेंड कर रहे हैं कि बॉस बिटकॉइन का लॉ तो बन गया, बिटकॉइन के एजुकेशन पे स्पेंड किया जाए, राइट, बिटकॉइन के एजुकेशन से स्पेंड किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो यूज करना है, और यू नो लोग वॉलेट इंस्टॉल करें और उनको $30 दिया जाए। तो ये उस पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ यू नो ऐसे ही मजाक में नहीं लिया ये लॉ, इन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया है, और एक्चुअली इनका मकसद है कि एल सैलवाडोर के हर एक सिटीजन्स बिटकॉइन यूज़ करना चाहिए, और आई थिंक ये इकोनॉमी पे इनके काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ ला सकती है अगले 6 महीने में, 1 साल में अपने को देखने को मिलेगा। नाउ यही कंट्री नहीं, इसके बाद पैराग्वे, पैराग्वे बिकम्स अ सेकेंड कंट्री टू प्रपोज अ बिल टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर। नाउ पैराग्वे अगेन इज अ कंट्री इन इन साउथ अमेरिका, ओके, सो दिस इज कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज सेंट्रल अमेरिका, एल सैलवाडोर, दिस इज योर साउथ अमेरिका पैराग्वे, ये वेनेजुएला, अपने नाम सुना है, राइट। एक चीज आप नोटिस करोगे जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका ये जो कंट्रीज है इतना स्ट्रांग नहीं है जितना यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा है, राइट, ये दोनों बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, बट यहाँ की इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ये जो कंट्रीज हैं ये क्यों बिटकॉइन और क्रिप्टो बहुत अडॉप्ट कर रही हैं? सिंपल रीजन, राइट, बिटकॉइन और क्रिप्टो इनके कंट्रीज में बहुत सारा कैपिटल अट्रैक्ट करेगा। आपको पता ही है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो बॉर्डरलेस, राइट, सो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज और कैपिटल इनकी कंट्रीज में अट्रैक्ट करेगा, और ये कंट्री को उसी की ज़रूरत है। ये कंट्रीज की इकोनॉमी अगर स्ट्रांग करना है तो इनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि बस बिटकॉइन और क्रिप्टो इज द राइट, इट इज़ द राइट टाइम टू अडॉप्ट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। एंड आपने देखा ही होगा कि एल सैलवाडोर को कितना बड़ा अट्रैक्शन और कितना बड़ा अटेंशन मिला है, एंड इट इज़ अ सिमिलर फंडा दैट ये कंट्रीज भी अडॉप्ट कर रही हैं। तो ये बंदा जो है, ये जो बंदा है ये पैराग्वे का कुछ तो है, एंड ही हैज ट्वीटेड दैट वी आर प्रपोजिंग अ बिल टू बिटकॉइन, एंड लेट्स सी, मे बी ये बिल आ जाएगा अगले महीने में, तो हो सकता है कि अपने को, आपको कुछ दिनों में ये भी सुनाई दे कि पैराग्वे भी बिटकॉइन लीगल टेंडर कर दिया है। मतलब कहने का मतलब, एक के बाद एक कंट्री लीगल टेंडर कर रही है, और इसका सबका असर क्या पड़ेगा? अगेन कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स ग्रो करेंगे। नाउ इट इज़ नॉट जस्ट साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी आपको पता है, राइट, रिसेंटली मायामी सिटी में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुआ था June 4, June 5 को। आपको पता है कि आपको पता है मायामी के मेयर, ही इज प्रो बिटकॉइन, ही इज दिस गाय इज लाइक, मुझे तो मायामी को बिटकॉइन कैपिटल बनाना है, राइट, सो ऑफकोर्स न्यूयॉर्क क्यों पीछे रहना चाहता है? नहीं रहेगा पीछे, राइट, सो न्यूयॉर्क में फिलहाल एक इलेक्शन चल रहा है कि हु विल बी द नेक्स्ट मेयर ऑफ मायामी सिटी, और ये जो कैंडिडेट्स हैं जो मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल, एरिक एडम्स, माया कैथरीन एंड्रयू, इसमें से मैं एरिक एडम्स और एंड्रयू यांग को फॉलो करता हूँ मैं, एंड आई हैव हर्ड अबाउट दीज गाइज, सो उसमें से एरिक एडम्स और एंड्रयू यांग दोनों के दोनों प्रो बिटकॉइन है। ये आप ये देखो, ये एंड्रयू यांग कैंडिडेट फॉर मेयर, एंड्रयू यांग प्लान्स टू मेक न्यूयॉर्क अ बिटकॉइन हब, राइट, हु इज दिस एंड्रयू यांग, राइट, बट एरिक एडम्स जो आई थिंक ही मे विन बिकॉज 31% यहाँ पे दिखा रहा है, ये बंदा भी ये बिटकॉइन को इनके एजेंडा में है। सो अगर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, We're going to bring businesses here. We're going to become the center of life science, the center of cyber security, the center of self-driving cars, drones, the center बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इनके एजेंडा में बिटकॉइन
को अडॉप्ट करना है, सारी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। तो ये कहने का मतलब क्या है, जब न्यूयॉर्क जैसे सिटी बिटकॉइन पे इतना फोकस करेगी, बिटकॉइन हब बनेगा, तो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो भी बिटकॉइन ऑनबोर्ड करेंगे एंड दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क एंड इन ऑफ क्रिप्टो नेटवर्क इन जनरल। नाउ ये देखो, ये इलेक्शन के ये चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं कि राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग, न्यूयॉर्क में सब चल रहा है एंड वेरी सून हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन बन जाएगा मेयर। बट आई थिंक ये अगर ये बंदा बन रहा है तो भी बिटकॉइन हब होने वाला है, और ये बंदा बन रहा है तो भी बिटकॉइन हब होने वाला है। दूसरा चीज़, लास्ट चीज़ इज एंडरसन होरोविट्ज़ टू लॉन्च 2.2 बिलियन क्रिप्टो करेंसी फंड। नाउ एंडरसन होरोविट्ज़ क्या है आप पूछोगे, राइट? सो एंडरसन होरोविट्ज़ इज अ कंपनी विच इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स, न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर इनके पोर्टफोलियो में आप जाओगे तो बहुत सारी कंपनीज में इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये जो अनाउंसमेंट किया हुआ है, राइट, ये 2.2 बिलियन स्पेसिफिकली सिर्फ क्रिप्टो करेंसी फंड के लिए, मतलब जितनी भी कंपनी, जितने भी आइडियाज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, आपको पता ही कि स्पेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, हर एक दिन नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो 2.2 बिलियन सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में जो स्टार्टअप्स आएंगे, जो प्रोडक्ट्स और आइडियाज आएंगे, उनको ये लोग फंड करेंगे। तो जब इतना बड़ा VC एंडरसन होरोविट्ज़ वेंचर फंड क्रिप्टो करेंसी स्पेस पे इतना बुलिश है कि वो लोग 2.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग को क्यों बेरिश होना है? Alright, that's it guys. Thank you so much for watching. Let me know आपका क्या ख्याल है इस El Salvador के बारे में। It's over adoption. It's maybe market, जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे होता था, but fundamental is getting stronger. Users का adoption बहुत तेजी से हो रहा है and you can already see that we are very, very early. Thank you so much for watching. Like the button. I'll see you in the next video. Take care.